आपके पास सैमसंग गैलेक्सी A15 है, M15 है, F15 है, तो उसके अंदर आप अपने फ़ोन को रिसेट कैसे कर सकते हो। तो फ़ोन को रिसेट करने के लिए आपको जाना होता है सेटिंग में, नीचे की साइड जाएंगे और यहाँ पर आपको दिख जाएगा जनरल मैनेजमेंट, इस पर आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा रिसेट का ऑप्शन, इस पर आपको चले जाना है। लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाता है फैक्ट्री रिसेट, इस पर आपको टाइप कर लेना है। जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आएगा, आपको नीचे की साइड जाना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा रिसेट का ऑप्शन, इस पर आपको टाइप कर लेना होता है। जैसे टाइप करेंगे आप जो भी स्क्रीन लॉक होगा इस यहाँ पर आपको डाल देना होता है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा डिलीट ऑल डाटा, इस पर आपको ऐसे कर लेना होता है। अब आपको दिख रहा होगा वाईफाई रिक्वायरमेंट, तो इसको आपको करना क्या है, इसको बंद कर देना है ऐसे, और एक बार ऐसे कर लेना होता है। करने के बाद यहाँ पर आपको टैप कर लेना है, तो यहाँ पर आपको दिख जाता है कनेक्टेड रिक्वायरमेंट मांग रहा, तो आपको सबसे पहले वाईफाई को कनेक्ट कर देना होता है अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आपके फ़ोन में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर गया, यहाँ पर एक कोई भी वाईफाई ऐसे कनेक्ट कर लेना है जिनका पासवर्ड आपको पता हो, ना कि अभी कोई किसी का भी पासवर्ड कनेक्ट करोगे बिल्कुल नहीं होगा। जिनका पासवर्ड आपको पता होगा उसको कर लेना है, और जो ऐसे देखना चाहेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली देख के ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि वाईफाई पेयरिंग चालू हो गया है, यानी कि कनेक्टेड हो गया है वाईफाई। अब क्या करेंगे, वापस से डिलीट करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि डायरेक्टली डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ आपका गूगल अकाउंट मांग रहा। तो यहाँ से जैसे गूगल अकाउंट डालोगे ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा। बाकी इस पे करेंगे तो यहाँ पर आपका गूगल का अकाउंट मांगेगा, यहाँ पर आपको जाना ऐसे कर देना होता है। बाकी जो पासवर्ड होगा आपको यहाँ पर डाल देना होता है, करने के बाद यहाँ पर आप कर देंगे तो आपका फ़ोन रिसेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप अपने फ़ोन में कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।